हिंदी सिनेमा जगत में अब तक कई अभिनेत्रियां आ चुकी हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती और अपने दिलकश अंदाज के जरिए लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदासनी का। जी हाँ, साधना शिवदासनी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी साधना लोगों के दिलों में बसी हुई है। साधना शिवदासनी जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए साधना शिवदासनी ने भी कड़ी मेहनत की। जी हाँ, साधना जो काफ़ी मशहूर हुई अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती को लेकर। एक वक्त ऐसा था जब साधना हेयर स्टाइल काफ़ी सुर्खियों में आ गया था। जी हाँ, जब साधना फिल्मी पर्दे पर देखी जाती थी तो उनके हेयर स्टाइल के लोग दीवाने हो जाया करते थे और उनके हेयर स्टाइल को साधना हेयर स्टाइल के नाम से ही जाना गया। हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदासनी 60 के दशक में टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थी। साधना शिवदासनी जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, मेरा साया, वो कौन थी, वक्त, लव इन शिमला, इन तमाम फिल्मों के जरिए साधना शिवदासनी ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, जहां एक ओर साधना शिवदासनी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर हुई तो वहीं अपने हेयर स्टाइल के लिए भी जानी जाती थी। आज भी साधना अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ हेयर स्टाइल को लेकर फैंस के बीच जानी जाती हैं। बता दें आपको कि साधना शिवदासनी का आज जन्मदिन है। जी हाँ, 2 सितंबर साल 1941 में पाकिस्तान की कराची में साधना शिवदासनी का जन्म हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद साधना के माता पिता भारत आकर बस गए। अपने माता पिता की वह इकलौती संतान थी। कहा जाता है कि साधना के पिता ने उनका नाम साधना रखा और उनके पिता ने साल 1930 में अपनी पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर उनका नाम साधना रखा था। साधना की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। साधना शिवदासनी जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए लोगों को दीवाना किया तो वहीं फिल्म लव इन शिमला जब साल 1960 में रिलीज हुई, इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इसी फिल्म से साधना का हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। वह उनका स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। साधना ने हिंदी सफ़र की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। महज 15 साल की उम्र में कैमियो में नजर आई थी साधना और इसके बाद एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। बता दें आपको कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पहली ही फिल्म में बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर और साधना में ऐसी अनबन हो गई थी कि वह उनसे नफरत करने लगी थी। साधना शिवदासनी जिन्होंने कई बेहतरीन सुपरहिट फिल्में दी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई अपने फिल्मी करियर को लेकर तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो साधना शिवदासनी की पर्सनल लाइफ काफ़ी दर्द भरी रही है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि साधना शिवदासनी ने जब अपने पति को खो दिया तब वह अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। आज साधना हमारे बीच नहीं है, लेकिन पल पल फैंस उनको याद करते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको कि आज साधना शिवदासनी की बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी सामने आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशि राठौर। आज हम फिर से बात करेंगे साधना शिवदासनी के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत की और उस मुकाम को हासिल किया। जी हाँ, ऊंचाइयों तक पहुंची, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे। साधना शिवदासनी अपने पति के गुजर जाने के बाद अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी हालत काफी दर्द भरी हो चुकी थी। आइए जानते हैं साधना की पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए हमारी रिपोर्ट।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि साधना शिवदास ने शादी के बंधन में बंधी थी फिल्म डायरेक्टर आर के नैयर के साथ। जी हां, अपनी पहली हिंदी फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान साधना को फिल्म डायरेक्टर आर के नैयर से प्यार हो गया। उस दौरान साधना महज 16 साल की थी और आर के नैयर 22 साल के। वहीं साधना शिवदास ने आर के नैयर के साथ शादी के बंधन में बनने का फैसला भी कर चुकी थी। साधना के माता पिता अपनी इकलौती बेटी की शादी सिंधी परिवार में करना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने आर के नैयर को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और साधना का पीछा छोड़ देने के लिए कहा था। और आर के नैयर उस दौरान डर गए थे और उन्होंने उनकी बेटी का साथ छोड़ दिया। लेकिन कुछ सालों बाद आर के नैयर साधना की जिंदगी में वापस लौट आए। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने साधना और आर के नैयर को फिर से एक कर दिया और साधना की मम्मी उस दौरान भी उनके प्यार के खिलाफ थी। दरअसल वह चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक्टर राजेंद्र कुमार की तरह किसी हैंडसम दिखने वाले किसी शख्स के साथ हो, लेकिन साधना को आर के नैयर पसंद थे। 6 मार्च साल 1966 में दोनों ही शादी के बंधन में बन गए। शादी के बाद साधना ने फिल्मों से दूरी बना ली, संन्यास ले लिया और एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह जिंदगी जीने लगी। साधना शिवदास ने हाउसवाइफ बनने के लिए कुकरी क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी। वो फिल्मों की बजाय घर परिवार पर बखूबी ध्यान देने लगी थी, लेकिन उसी दौरान थायराइड की वजह से साधना की आंखों में प्रॉब्लम आ गई और इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। 2 तक साधना बॉस्टन में रही और वहां पर अपना इलाज करवाया, लेकिन जब वह वापस लौटी उस दौरान उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना किया। जी हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और उन्हें वापस फिल्मों में काम के लिए लौटना पड़ा। साधना ने इंतकाम, एक फूल दो माली और आप आए बाहर आई जैसी सुपरहिट फिल्में दी। साधना अपना परिवार चाहती थी, लेकिन एक मिसकैरेज के बाद वह कभी मां नहीं बन पाई और इस वजह से साधना और उनके पति आर के नैयर में तलाक तक की नौबत आ गई थी। लेकिन बाद में आर के नैयर ने साधना को मना लिया और साल 1995 बहुत ही दर्द भरा रहा, जब साधना के पति आर के नैयर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दरअसल आर के नैयर सांस की बीमारी से जूझ रहे थे और वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उस दौरान साधना अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी, वह काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी। साधना अपने आखिरी दिनों में मुंबई के एक पुराने बंगले में किराए पर रहा करती थी। साधना के कोई भी बच्चा नहीं था और उनके पति भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और वह मुंबई के एक पुराने बंगले में किराए पर रहा करती थी और ये बंगला था मशहूर गायिका आशा भोसले का। साधना काफ़ी दर्द भरे दौर से गुजरी और अपने पति के जाने के बाद वह अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। वक्त के साथ साथ साधना का रूप रंग बदलने लगा और बाद के दिनों में वह पब्लिक में आने से भी बचने लगी। लंबे समय तक साधना की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। साधना काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी और साल 2014 में बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर के साथ एक फैशन शो में नजर आई और साधना की वो तस्वीरें आज भी वायरल होती रहती हैं। साधना को पल पल आज भी फैंस याद करते हैं। बता दें आपको कि साधना शिवदास ने लंबे समय तक बीमारी से जूझती रही और 25 दिसंबर साल 2015 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। इस तरह से साधना शिवदासनी ने भी अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, कई दर्द झेले और ये सभी बातें जाहिर करती हैं कि वह कितनी दर्द में थी। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना साधना शिवदासनी के बारे में, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, दर्द भरे दौर का सामना किया।
और आज साधना शिवदासनी हमारे बीच मौजूद नहीं है। साधना शिवदासनी अपने पति के गुजर जाने के बाद अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी और पति के गुजर जाने के बाद साधना की जिंदगी में कई बड़ी मुश्किलें आईं जिनका उन्होंने सामना किया, लेकिन उस दौरान वह काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। आज साधना शिवदासनी हमारे बीच नहीं है और फैंस आज भी उन्हें याद करते हुए देखे जाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।